गाइस क्या मस्त जो हमारा 4-in-1 जो है स्टैंसर्ड बोर्ड काम कर रहा है। और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से गाइस काफी अच्छे से जो है चार्ज हो रहा। और इसका अच्छा फीचर यह है मतलब आप इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप? तो गाइस आपने इस तरीके का नॉर्मल इलेक्ट्रिक बोर्ड देखा होगा, इस तरीके का इलेक्ट्रिक बोर्ड देखा होगा। गाइस क्या आपने RGB इलेक्ट्रिक बोर्ड देखा है? नहीं देखना तो गाइस यार आज इस वीडियो में मैं आपको एक RGB इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाकर दिखाने वाला हूँ जो कि काफी शानदार होने वाला है। और आप भी इसे अपने घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और उसकी अच्छी बात यह मतलब उसमें जो आप बिना चार्जिंग के भी आप अपना मोबाइल उससे चार्ज कर सकते हो और अपने काम को बड़ी आसान कर सकते हो। इतना जबरदस्त होने वाला है, आप अपने पड़ोसी को दिखाओगे तो वे भी यही बोलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और ऐसी मजेदार वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती है, तो जो भी नए भाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज करने वाला हूँ इस तरीके के एक बॉक्स का। आप जो है PVC पाइप की शीट का भी इतना बड़ा बॉक्स बना सकते हैं जितना कोई आपको जो है जरूरत है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का बॉक्स का यूज करने वाला हूँ। इसका फायदा यह है मतलब ये जो पूरी बॉडी इसकी ब्लैक है और इसका ढक्कन जो है वाइट है। और गाइज इसके अंदर मैं कुछ कंपोनेंट लेकर आया हूँ जिस तरीके से ये सॉकेट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बोर्ड वगैरह इसमें लगा होता है, मैं यूज करने वाला हूँ। और दो इस तरीके के ऑफ ऑन स्विच जिसे जो है छटकनी वगैरह कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस तरीके का एक ब्लैक होल्डर यहाँ पर आप देख सकते हो। मेन टॉपिक गाइस मैं यूज करने वाला हूँ इस तरीके के एक मदरबोर्ड का, यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें इस तरीके की USB पोर्ट भी लगा हुआ है और इस तरीके की एक LED है और इसके ये दोनों पॉइंट जो है AC वायर है। सो गाइस इस सॉकेट को जो हम इसके ऊपर फिट करने वाले हैं, तो सबसे पहले इस पर जो है मार्किंग करते हैं और इसे जल्दी से कट करते हैं। कट किस तरीके से करते हैं वो आग आपको वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस 2-3 साल बाद खींचने के बाद इस तरीके से इसको जो हमने लिया और यहाँ पर जो है काफी अच्छे से इसकी फिनिशिंग जो है आ चुकी है। चलो गाइस अब जल्दी से इसके अंदर जो ये कंपोनेंट फिट करते हैं। कंपोनेंट किस तरीके से फिट करने वाले हैं, बड़ी इजी है। इस तरीके से आपको जो है फिक्स कर देने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइस ये फिक्स हो चुका है, तो चलो अब जल्दी से इसके कनेक्शन करते हैं। A few moments later. So finally guys हमारे बोर्ड का जो है कनेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से अभी आपको कर लेने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमने AC के वायर निकाल दिए, मतलब ये हमारे 220 वोल्ट AC में लगने वाले हैं। और ये हमारी USB और USB के जहाँ से 5 वोल्ट आते हैं वहाँ पर जो हमने इस तरीके के 2 वायर सोल्ड कर दिए। ये किस लिए निकाले हैं वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। चलो गाइस ये जो है दोनों जो है AC वायर हैं, इनको जो है दोनों AC वायर पर जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो USB के लिए हमने यहाँ पर जो है 2 होल कर दिए, एक LED के लिए और एक USB के लिए। तो चलो गाइस अब जल्दी से इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से इसको चिपका लिया और इसके कनेक्शन जो है सीधा डायरेक्टली जो हमने कर लिए हैं। ये जो हमारे 220 वोल्ट AC में लगने वाले हैं सीधा डायरेक्टली जो हमने कर दिया है। और ये वाला स्विच ये जो है हमारे होल्डर को ऑफ ऑन करेगा और ये वाला जो है स्विच इसको ऑफ ऑन करने वाला है। तो चलो गाइस इसमें और थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने 2 वायर किस लिए निकाल लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ 2 RGB लाइट का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तरीके का रेजिस्टेंस लेकर और इसके कनेक्शन कर और इसे जल्दी से लगा लेते हैं, तो फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। फाइनली गाइज हमारे एक्सटेंशन बोर्ड के जो है कनेक्शन हो चुके हैं, तो चलिए गाइज मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा पावर का प्लग, यहाँ पर आप देख सकते हो जाको जो है हम इसे 220 वोल्ट AC देने वाले हैं और यहाँ पर इस तरीके से इसके कनेक्शन हुए हैं। और ये जो है सीधा 2 वायर आ रहे हैं, ये हमारी मदर बोर्ड में लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और जो मदर बोर्ड में से 2 वायर आ रहे हैं यहाँ पर जो हमने RGB LED लगा दिया रेजिस्टेंस के साथ ताकि फ्यूज़ ना हो, देख सकते हो गाइज। और ये जो हमारा RGB बोर्ड जो है बनकर तैयार हो चुका है और इसके कनेक्शन यहाँ पर आपको डायग्राम शो हो रहा होगा, आप जो इस तरीके से डायग्राम में जो है देखकर और इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब इसे जल्दी से बंद करते हैं और इसकी जल्दी से टेस्टिंग करते हैं।
फाइनली गाइज हमारा 4-in-1 एक्सटेंशन बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। तो देख सकते हो गाइज कुछ इस तरीके का हमारा बोर्ड जो है बनकर तैयार हुआ। तो चलिए गाइज अब इसकी जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। तो ये रहा इसका वायर, देख सकते हो मैंने कुछ इतना बड़ा रखा है, और आप जो है कॉपर का लेना अगर आप इस पे भारी वर्क करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं इसके अंदर जो है लाइट आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आरजीबी लाइट जो है काफी अच्छे से जल रही है, और ये जो हमने एलईडी बाहर की साइड निकाली है ये भी अच्छे से जल रही है। तो चलिए गाइज इसके जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इससे बल्ब जलाकर देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास बल्ब, तो इसे जलाता हूँ। देखिए गाइज ये इसके अंदर लग चुका है, और यहाँ से करता हूँ स्विच ऑन। देखिए गाइज काफी अच्छे से जो है बल्ब जल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलो गाइज अब इस वाले स्विच को भी जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये रही एक इमरजेंसी लाइट जो कि हमने बनाई थी इसकी चैनल पे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा, हमारे चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर इसको लगाता हूँ, और यहाँ से इसका स्विच ऑन करता हूँ। तो देख सकते हो गाइस रेड कलर की एलईडी काफी अच्छे से जल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे फिर से बंद करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बंद हो चुकी है, और फिर ऑन करते ही ऑन हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका मतलब हमारा ये वाला स्विच भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलो गाइस अब इसके जल्दी से ये वाली यूएसबी टेस्टिंग कर लेते हैं, मोबाइल को चार्ज कर रहा है या नहीं। तो गाइस देख सकते हो ये रहा मोबाइल, और इसको यूएसबी को लगाता हूँ इधर, यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइस ये लग चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छे से जो है मोबाइल भी इससे चार्ज हो रहा है। मतलब आप इससे एलईडी बल्ब भी चला सकते हो, और इससे जो है यहाँ पर कुछ मशीन वगैरह भी चला सकते हो, और इससे जो है अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन चीज अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस इसका सबसे मस्त फीचर यह है, देखिए गाइस मतलब क्या मस्त जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब आरजीबी लाइट जो है काफी अंदर जो है जल रही है, और काफी अच्छा है देखने में लग रहा है। और इन वन जो है हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप इससे एलईडी बल्ब भी जला सकते हो, और यहाँ पर कुछ भी जो है काम कर सकते हो, और इससे जो अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। मतलब आप इससे जो है इस तरीके से बल्ब भी जला सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप बल्ब भी जला सकते हो, और इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ भी वगैरह जो है चार्ज कर सकते हो। देख सकते हो गाइस काफी अच्छे से जो है चार्ज हो रहा, और इसका अच्छा फीचर यह है मतलब आप इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से। कैसा लगा आपको ये एक्सटेंशन बोर्ड, आप जो इसे अपने घर पर बनाकर और इसका जो है यूज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो है आरजीबी लाइट भी जलती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब अंधेरे में काफी मस्त जो है लगता है, और जो है काफी अच्छा लगता है। और बिना मोबाइल मतलब बिना चार्जिंग के जो है आप इससे जो है मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस तरीके से आप जो है होल्डर में इस तरीके से लगाकर और इसे जो है यूज कर सकते हो, और यहाँ पर अपने मशीन वगैरह ग्राइंडर वगैरह जो है चला सकते हो, और इसका भी यूज कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये एक्सटेंशन बोर्ड जो है अच्छा लगा होगा, आप इस अपना घर पर बनाकर और इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और ऐसी मजेदार मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना है, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।